लगेज लिए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ फिर रिक्शे की सवारी कर रहा ये जोड़ा कोई आम नहीं बल्कि स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताव 16 और उनकी पत्नी सिलिविया सोमरलेथ है। 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए शाही जोड़ा दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहा। बेहद खास होने के बावजूद आम आदमी की तरह अपना सामान लिए ये शाही जोड़ा नजर आया। वहीं ऐसा पहली बार हुआ जब शाही जोड़े ने किसी देश की सरकारी यात्रा के लिए कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ली गई शाही जोड़े की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। एयर इंडिया ने इसकी तस्वीर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, हमारे लिए गर्व का पल है। दरअसल शाही जोड़े के विमान के खराब होने की वजह से सोमवार सुबह इन्हें एयर इंडिया से भारत आना पड़ा। स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताव 16 व्यापार, निवेश, संस्कृति समेत अनेक क्षेत्रों में भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते को विस्तार देने को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद दोनों देशों ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा मोदी और राजा गुस्ताव ने भारत और स्वीडन की उच्च स्तरीय नीति वार्ता की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि दोनों नेताओं ने भावी चुनौतियों से निपटने में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक तकनीक नवाचार की भूमिका पर बल दिया। राष्ट्रपति कोविंद के निमंत्रण पर 5 दिन के लिए भारत आए शाही जोड़े दिल्ली के कई मशहूर जगहों पर भी गए। शाही दंपत्ति जामा मस्जिद, लाल किला और गांधी स्मृति भी गए। इसके अलावा ये मुंबई और उत्तराखंड के दौरे पर भी जाएंगे। इस बीच इनका एक और फोटो वायरल हुआ जिसमें दोनों रिक्शे पर बैठे नजर आ रहे हैं। शाही जोड़े ने विदेश मंत्रालय एस जयशंकर से भी मुलाकात की। स्वीडन के राजा की ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और स्वीडन के बीच संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच 2018 में द्विपक्षीय व्यापार $3.37 अरब का था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते दोस्ताना है जो लोकतंत्र, पारदर्शिता और स्वतंत्रता के अधिकार पर आधारित है। राजनीतिक, व्यापारिक और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर संपर्क के चलते द्विपक्षीय रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।